ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप, यानी हमारा माहौल और हमारे माहौल के अंदर जो भी हमारा आपस में फीडिंग रिलेशनशिप है, यानी जो भी हम खुराक से मुतल्लिक जो है वो आपका रिलेशनशिप होता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इसको हम इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे टॉपिक हैं, जो मेन कीवर्ड्स हैं हम पढ़ेंगे, वो हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अडेप्टेशन पढ़ेंगे कि अडेप्टेशन कैसे होती है, और जो है फूड चेन है, कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना जो है वो इनटेक करते हैं, दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये जो है आज के हमारे सारे टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड। और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए आप लोग काइंडली मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करते रहे। ठीक है जी। सबसे पहले जो है हमारा है इन्वायरमेंट है, कि इन्वायरमेंट क्या है। अगर सिंपली आप इसकी डेफिनेशन देखें कि हम इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, आप में से बताएगा कोई कि इन्वायरमेंट जो है क्या होता है, क्या मतलब है इन्वायरमेंट का? ठीक है, हमारे पास जो आसपास जो माहौल है तो उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। वेल डन, वेरी गुड। एवरीथिंग अराउंड अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं ना, वो सारी जो हैं वो क्या है, हमारे माहौल में आ जाती हैं, हमारा माहौल है। ठीक है, इन्वायरमेंट है हमारा। द वर्ड इन्वायरमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट अ हैबिटेट इज लाइक। कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो है हम उसके लिए यूज करते हैं कि हमारा जो है हैबिटेट क्या है, मतलब जहां पर हम रहते हैं उस चीज को जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल जो है, अ डेजर्ट इज ड्राई एंड हॉट ड्यूरिंग द डे। कह रहे हैं कि जो सहरा होता है वो दिन के वक्त बहुत गर्म होता है ना? तो क्या हम उसके जो है वहां की सहरा के बारे में जो बता रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट बता रहे हैं कि वो कैसा होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहाँ। तो हम जो है वो वहाँ का, जहाँ पर वो लोग रहते हैं, हम वहाँ का इन्वायरमेंट बता रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट के जो है वो तीन तीन टाइप्स होते हैं, तीन तरह का हमारा इन्वायरमेंट होता है। एक जो है नंबर वन जो है हमारा वो है लैंड, ठीक है, हमारी जमीन जो है। नंबर टू है वाटर, के पानी के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है। और नंबर थ्री है एयर। एयर, वाटर, लैंड, ये सब मिलकर जो है हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। तीनों चीज़ें जो हैं वो ये हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होती हैं। तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट जो है वो हमारा माहौल है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर में या हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब मिलकर जो है वो हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। अंडरस्टैंड, एवरीथिंग अराउंड अस इज नोन एज एनवायरमेंट। जो भी इर्द गिर्द हमारे चीजें हैं वो सब जो है हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं, ये देखें आप लोगों के पास शो हो रही है इमेज, अवर इन्वायरमेंट, हमारा माहौल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो मैंने आपको टाइप्स बताए कि क्या है इन्वायरमेंट में, जो है हमारी लैंड आ जाती है, वाटर होता है, एयर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर है, घर के पास आसपास जो है वो आप प्लांट्स और ये बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, स्विमिंग पूल बना हुआ है, यानी पानी है, और जो यहाँ की आबो हवा है, हवा है यहाँ पर, एयर, तो उसके बगैर तो हमारा माहौल नहीं बन सकता। सन, सूरज आप देख सकते हैं, लैंड है, पानी है, दरख्त है यहाँ पर, फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीजें, घर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये सब जो है क्या करेंगे, इन सब चीजों से मिलकर जो है वो हम एक माहौल बनाते हैं जहाँ पर हम सरवाइव करते हैं, जहाँ पर हम रह सकते हैं, जहाँ पर हमें खाने के लिए भी चीजें मिलती हैं, हमें पीने के लिए पानी मिलता है, और एक प्रोटेक्शन, एक जो है बिल्कुल जो है वो सेफ जगह मिलती है रहने के लिए। बेटा आप जो है वो, जब आपको कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट करें, अदरवाइज आप माइक को म्यूट कर दें। ठीक है।
तो ये जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, पानी है यहाँ पर, यहाँ की लैंड है और सूरज है, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब जो है हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर जो है हमारा इन्वायरमेंट बनाती है। ठीक है, इन जो है वो हमारा इन्वायरमेंट, एवरीथिंग अराउंड अस इज एन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी मिलकर, जहाँ पर हम रहते हैं हमारा हैबिटेट होता है, वो सब मिलकर जो है हमारा एक इन्वायरमेंट बनाती हैं जहाँ पर जो है हम सर्वाइव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस टीचर। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू द हैबिटेट दे लिव इन। कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं, यानी उस माहौल में। राहुल बेटा, आपको जब कुछ कहना हो तो आप जो है तब माइक को अनम्यूट करें, आप अपना माइक म्यूट कर दें। आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको जब बात करनी हो तो मैं आपको परमिशन दूंगी, फिर आप जो है जो भी आपको कहना हो आप कह सकते हैं। एडेप्टेशन क्या है? और एडेप्टेशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स की एक, मतलब उनकी मुनासबत जो वो इख्तियार करते हैं, जहाँ पर वो अपने जो है अपना हैबिटेट के अंदर रहते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को ढाल लेते हैं, मतलब एडेप्ट करते हैं, उस माहौल को अपना लेते हैं, उससे हम हैबिटेट। वो सारी चीजें, ये इसी जो हम अडेप्टेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव वेयर दे लीव। कह रहे कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो स्पेशल फीचर्स होती हैं जो कि उन्हें हेल्प करती हैं कि वो जो है उस माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं, अडेप्ट करते हैं उस हैबिटेट को जहाँ पर वो रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हैबिटेट के बारे में बताया था कि हैबिटेट जो है वो ऑर्गेनिजम्स के रहने की जगह होती है, जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, फूड मिलती है, वाटर मिलता है और उन्हें शेल्टर मिलता है। जहाँ शेल्टर यानी उनके रहने की जगह, जैसे हमारा घर है, इसी तरीके से उन्हें हर चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, तो वो अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट कर लेते हैं, उस माहौल में रहने के आदी हो जाते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, ये देखें आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कैमल नजर आ रहा है, और आप इस इन्वायरमेंट को भी देख सकते हैं, इकोसिस्टम को देख सकते हैं कि कैसी जगह है। ये डेजर्ट है, ठीक है, वो लैंड जहाँ पर जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, पानी कम होता है, तो हम जो है वहाँ पर, यहाँ पर जो वो इजीली सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन कैमल जो है वहाँ के लोग भी जो है वहाँ वहाँ रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस माहौल को अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब उस माहौल, अपने आप को जो है उस माहौल में रहने का आदि कर लेते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, तो वो उनका जो है ये उनकी अडेप्टेशन है। बेटा, ये आप लोग इसका फीडबैक पीपीटी का कंट्रोल जो है वो आप लोग ना लें, काइंडली स्लाइड को चेंज ना करें। राहुल, यस टीचर। ठीक है जी बेटा, स्लाइड चेंज हुई है, आप लोग स्लाइड को चेंज ना करें। ये जो है हमारा, ये यहाँ पर जो है आपको नजर आ रहा है, ये इकोसिस्टम, ये इन्वायरमेंट आपको नजर आ रहा है, तो ये डेजर्ट का है, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं जो यहाँ रह सकती हैं, जो इनका हैबिटेट है। ठीक है, ये इस माहौल को जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं कि इस माहौल में जो है ये आसानी से रह सकते हैं, हम जो है यहाँ पर नहीं रह सकते, कोई दूसरे एनिमल हैं जो इस जगह पे नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, जिसकी वजह से
यहाँ की लैंड है वो भी फर्टाइल नहीं होती, प्लांट्स वगैरह जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी यहाँ पर कम होते हैं। यासीन क्या हुआ ये? ये पता नहीं। बेटा आप लोग चेंज कुछ भी जो है वो ना करें, आप लोग पीपीटी मत छेड़ें। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है इस तरह से, ठीक है? जी हम यहाँ पर थे, स्लाइड नंबर 6 थी हमारी। तो मैं आपको बता रही थी अडेप्टेशन का, बता रही थी कि कैसे जो है वो सब जो ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्ट करते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब जो उनकी स्पेसिफिक जो है इनके अंदर फीचर्स होती है, कि ये जो कैमल है ये जो है विदाउट वाटर भी अगर ये 1-2 दिन पानी नहीं पिएगा तो भी जो है ये सर्वाइव कर सकता है। तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने एक स्पेशल फीचर्स होती हैं जो वो अडेप्ट करते हैं और उस माहौल में खुद को रहने खुद रह सकते हैं, वहां पर इजीली वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। फिश नजर आ रही है आपको, पानी के अंदर है, ठीक है? ये इसकी अडेप्टेशन है, ये इसका एनवायरनमेंट है, ये इसका हैबिटेट है जहां पर ये रह सकती है, सरवाइव कर सकती है। अगर इसे हम चाहें कि हम इसे थोड़े से पानी के अंदर रखें या हम वैसे ही इसे जो है वो जमीन के ऊपर ये रहे तो ये सरवाइव नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये जो है इसकी इसका हैबिटेट ही नहीं है इन ऑर्गेनिज्म का। हर ऑर्गेनिज्म का जो है वो अपना अलग अलग हैबिटेट है जहाँ पर वो है वो इजीली सरवाइव करते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, जहाँ पर उन्हें फूड प्रोवाइड होती है, शेल्टर प्रोवाइड होता है, वाटर प्रोवाइड होता है, तो वो वहीं पर सरवाइव कर सकते हैं। तो फिश की अडेप्टेशन क्या है कि ये पानी के अंदर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फूड चेन है, ठीक है? व्हाट इज फूड चेन, के फूड चेन क्या है? जैसे मैंने आपको शुरू में मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम के बारे में बताया था कि जो है इंटरेक्शन है लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। फिर हमने जो है वो हैबिटेट के बारे में पढ़ा कि वो ये वो जगह है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके रहने की जगह होती है, ठीक है? फिर मैंने आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताया था कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट जो है हमारा हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में जो भी सारी चीजें हैं वो सब जो है हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा माहौल है। जो भी हमारे माहौल के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब चीजें मिलकर, पानी है, ये सारी चीजें मिलकर जो है हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि सब जो है वो हैबिटेट के कि कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ जो है वो फूड प्रोवाइड होती है। तो अब जो है हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो लॉ ऑफ एनर्जी के प्लांट जो है वो खाना उन्हें कैसे मिलता है, कैसे जो है ये सरवाइव करते हैं, कैसे जो है ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म से। फूड चेन जो है वो आपका मेनली जो है वो क्या है, आपका आपकी एनर्जी के मुताबिक है, कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल करते हैं। फूड चेन क्या है, ये लॉ ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ एनर्जी यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी की वजह से जो है वो हम काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, कि हम हमसे लेटा भी नहीं जाएगा, हम खड़े होकर कोई काम नहीं कर सकते। तो एनर्जी क्या करती है, हमारी बॉडी को एबल करती है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी। इसी तरीके से सब ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबको जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है जिसकी वजह से वर्कआउट करते हैं वो।
तो कैसे जो है ये ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, तो हम फूड चेन में आज यही पढ़ेंगे। फूड चेन की जो है वो आपको डेफिनेशन नजर आ रही होगी, आप लोग देख सकते हैं कि नीचे जो है वो डायग्राम्स भी आपको नजर आ रही होंगी कि क्या क्या जो है कैसे जो है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पास हो रही है, फ्लो हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। फूड चेन इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वन वे प्रोसेस। ये क्या है, ये वन वे प्रोसेस है, यानी एक ही वन वे प्रोसेस इसलिए कि एक दूसरी एक फूड वेब है, एक फूड चेन है। तो अब हम फूड चेन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, तो ये वन वे प्रोसेस है, यानी यहाँ पर आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सन नजर आ रहा है, सूरज नजर आ रहा है, और सेकंड में जो है वो आपको लीफ नजर आ रहा है यानी प्लांट। तो हमारी जो फूड है वो बेसिकली जो है वो प्लांट से स्टार्ट होती है, यानी प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद जो है वो बनाते हैं, तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सूरज की मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, और पानी पानी से मिलकर प्लांट जो है वो खुद जो है अपना खाना प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए जो हम कहते हैं कि जो हमारी फूड चेन है, यानी जो हमारा ये फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लांट से स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड, ये आपका एमसीक्यूज भी है और ये बहुत दफा जो है वो पूछा गया है कि जो आपकी फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो फूड चेन का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट्स हैं, यानी जो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं खुद अपना खाना। अंडरस्टैंड यस जी, टीचर। यासिन सुन रहे हैं आप, प्लांट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जो के अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारी फूड चेन है, फूड का तो मतलब आपको पता है ना, फूड क्या होती है, हमारा खाना, हमारी गिजा, ठीक है। और चैन का वर्ड क्यों कहा गया है कि ये जो है, जैसे चैन के वर्ड से आपको समझ में आएगा, आप इसे साइकिल की चेन चेन समझ रहे होंगे, उसी तरीके की, मतलब कि एक के बाद जो है वो आपका एक एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक चैन बनी हुई है, एक पाथ बना हुआ है, ठीक है। एक नहीं है खाली, एक यहाँ पर है, एक वहां पर है, नहीं, पूरी एक लाइन बनी हुई है, एक चैन बनी हुई, इसलिए हम इसे फूड चैन कहते हैं कि कैसे है ऑर्गेनिज्म, एक चैन बनी हुई है उनकी, जिसके जरिए जो है वो अपना फूड जो है वो गिजा जो है वो अपनी हासिल करते हैं। तो जब भी आपको मैं फूड चेन के बारे में पूछूं कि जो हमारी फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमारा फूड चेन का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्लांट से शुरू होता है, प्रोड्यूसर से शुरू होता है। तो सबसे पहले जो है वो प्लांट ही आते हैं, प्लांट है तो जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना ऑब्टेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यस यस टीचर। जी, फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है ऑलवेज? या प्रोड्यूसर से, प्लांट से। वेरी गुड, फूड चेन जो है हमारी ऑलवेज स्टार्ट विथ अ प्रोड्यूसर्स, अ प्लांट लाइफ, प्लांट की जो लाइफ है, जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारी फूड चेन जो है वो ऑलवेज स्टार्ट विथ अ प्लांट लाइफ। द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच द एनर्जी फ्लोज इज नोन एज अ फूड चेन। कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस बना हुआ है ना, एक सीक्वेंस आपको नजर आ रहा होगा कि पहले, सबसे पहले सन है यानी सूरज है, जिसकी जो प्लांट्स हैं वो सूरज की मदद से क्या कर रहे हैं, अपना अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लांट के बाद आपको ग्रास होपर नजर आ रहा है, ग्रास होपर जो है वो प्लांट ईट करता है, मतलब ये प्लांट खाता है, तो ये अपनी एनर्जी जो है वो प्लांट से जो है वो ऑब्टेन कर रहा है। और जो फ्रॉग आपको नजर आ रहा है, फ्रॉग जो है वो ग्रास होपर को खा रहा है, तो ये अपनी एनर्जी जो है वो ग्रास होपर से ऑब्टेन कर रहा है। और जो आपको यहाँ पे हॉक नजर आ रहा है, ये जो है ये फ्रॉग को खा रहा है, ठीक है। तो ये जो अपनी एनर्जी है वो फ्रॉग से हासिल कर रहा है। तो एक सीक्वेंस बना हुआ है ना सबका, फ्लो ऑफ एनर्जी का एक सीक्वेंस बना हुआ है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म है, फिर दूसरा है, फिर दूसरा है, और सारे जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं। तो हमारा एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी फूड जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं। तो फूड चेन की अगर आपको, आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, आपको डिफाइन करना हो वन वर्ड में,
तो आप ये कहेंगे कि इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी है। फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो पास होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसलिए हम इसे फूड चेन कहते हैं। अंडरस्टैंड? यस टीचर। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन देख सकते हैं, यानी कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, एक कौन जो है वो किसे खा रहा है, कैसे जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी हम इसे कह सकते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा फ्लावर है, जिसके नीचे लिखा हुआ है प्रोड्यूसर्स, यानी फ्लावर है, प्लांट है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, खुद बना रहा है, तैयार कर रहा है। लास्ट में आपको कैटरपिलर नजर आ रहा है, ये भी जो है क्या करते हैं, प्लांट ईट करते हैं, प्लांट ईटर ने प्लांट खाते हैं। ठीक है, कैटरपिलर को कौन ईट कर रहा है, कैटरपिलर के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, जी यासीन? सबसे पहले जी फ्रॉग, ठीक है, कैटरपिलर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, खा रहे हैं, क्या करेंगे, ये कंज्यूम कर रहे हैं ना, इसलिए हम इन्हें कंज्यूमर कहते हैं। कि क्या प्रोड्यूसर, हमने उन्हें इसलिए कहा कि वो प्रोड्यूस करते हैं, वो तैयार करते हैं, और हम इन्हें कंज्यूमर कह रहे हैं कि क्या करते हैं, ये अपना खाना जमा करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम इन्हें कंज्यूमर कहते हैं। कैटरपिलर को जो है वो फ्रॉग खा रहा है, और फ्रॉग के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, फ्रॉग को कौन ईट कर रहा है, फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक। वेल डन, फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक। ठीक है, आप देख रहे हैं फ्रॉग ने जो है कैटरपिलर को खाया था, लेकिन जो फ्रॉग है वो ईटन बाय स्नेक, स्नेक ने जो है वो फ्रॉग से जो है वो अपनी एनर्जी ऑब्टेन की है, फ्रॉग को कंज्यूम किया है। ये एक हमारा सीक्वेंस बना हुआ है, एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। स्नैक के बाद आप देख सकते हैं स्नैक को जो है वो कौन ऊपर, कौन सी आपकी जो है वो आपको नजर आ रहा है कि स्नैक किसने ईट किया है, स्नैक इज ईटन बाय ऑल। वेरी गुड, ऑल। ठीक है, तो इस तरीके जैसे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है ग्रेजिंग फूड चेन है, इसके अंदर जो है क्या हो रहा है, जैसे हम अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, इसी तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपनी फूड एक दूसरे से हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक सीक्वेंस बना हुआ है, एक सीक्वेंस के जरिए जो है वो फूड जो है वो आपकी ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हम इसे जो है फूड चैन कहते हैं। ठीक है, फूड चैन के अंदर क्या होता है, फूड चैन के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के जो क्या है फूड चेन के अंदर, आप ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो वो फूड ऑब्टेन करते हैं, खाना खाते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वर्ड्स इन अ फूड चेन। ये फूड चेन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कि मैंने आपको बताया कि फूड चेन जो है वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है तो जाहिर है उसके बाद भी जो है वो दूसरी चीजें भी आ रही होंगी। तो सबसे पहले जो है हमारी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स है, यानी वो प्लांट्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। लास्ट सेकंड में जो है वो कंज्यूमर्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी फूड और कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स से ऑब्टेन करते हैं या दूसरों से लेते हैं। थर्ड में है डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं हमारी जो डेड बॉडी होती है, जो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोजर मेनली हमारे फंजाई और बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में
कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्लांट जो है वो दोबारा सॉइल में से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, प्लांट जो है वो डिकम्पोजर की मदद से ही जो है वो फिर दोबारा सॉइल में से जो है वो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स, दोबारा फिर जो है एक प्लांट बनता है। तो इसी तरीके से जो है ये एक फूड चेन चलती रहती है। सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स का पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स मैक देयर ऑन फूड। कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। मैक देयर ऑन फूड। ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू मैक फूड। कह रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी ग्रीन प्लांट जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, वो प्लांट क्या करते हैं, सूरज की मदद से जो है सूरज से एनर्जी हासिल करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ऑन द बॉटम ऑफ द फूड चेन। बॉटम अगर हम पीछे से स्टार्ट करते हैं तो इस तरह के बॉटम कह रहे हैं कि हमारी जो फूड चेन है वो प्लांट से ही स्टार्ट होती है। अगर ऑल हम कह रहे हैं, अगर हम ऑल से स्टार्ट करें कि ऑल ने जो है वो सबसे पहले ऑल ने जो है वो स्नैक को ईट किया, स्नैक ने फ्रॉग को ईट किया, फ्रॉग ने कैटरपिलर को ईट किया, कैटरपिलर ने जो है वो प्लांट को ईट किया और प्लांट ने जो है वो अपना खाना खुद बनाया सूरज की मदद से। इसी तरीके से जो हमारी फूड चेन है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो बॉटम में आ जाते हैं। लेकिन जो फूड चेन है हमारी वो हमेशा स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, प्लांट लाइफ से स्टार्ट होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या हैं? वो ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स मैक देयर ऑन फूड। अंडरस्टैंड? यस टीचर जी। अब जब भी मैं आपसे पूछूं प्रोड्यूसर्स के बारे में तो आप बताएंगे आपको समझ में आए प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो के अपना खाना खुद बनाते हैं। वेरी गुड। प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स विच मैक देयर ऑन फूड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स हंट, यानी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो हंट करते हैं, वो शिकार करते हैं, गैदर, और वो जो है वो अपनी फूड गैदर करते हैं, वो जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। यानी कंज्यूम करने का मतलब ये होता है कि इकट्ठा करते हैं। एंड स्टोर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। और किस लिए? क्योंकि ये जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन्हें जो है वो अपनी फूड जो है वो दूसरों से ही लेनी होती है ना, दूसरों से हासिल करते हैं किसी बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर जो है वो ये अपनी एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। इसलिए जो है हम इन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं कि ये जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स का हंट करते हैं, शिकार करते हैं और अपनी फूड जो है वो स्टोर करते हैं। बिकॉज क्या है, दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। अंडरस्टैंड? कंज्यूमर्स क्या करते हैं? कंज्यूमर्स हंट, गैदर एंड स्टोर फूड, ये शिकार करते हैं और अपनी फूड को जो है वो स्टोर करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन्हें जो है दूसरे बाय अदर ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर जो है ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हम इन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है? यस टीचर। नेक्स्ट जो है हमारे पास डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स क्या हैं? डीकम्पोजर्स हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज एंड फंजाइज हैं, जो कि क्या करते हैं हमारी बॉडी को, ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कि ये जो हैं वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एबल होते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जो हमारे लार्ज जो बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें डेड ऑर्गेनिजम्स, ये भी याद रखना, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें छोटे छोटे पीसेस में, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, इतने कि वो सॉइल के अंदर जो जमीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं। डीकम्पोजर्स ये करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। आपकी फूड चेन का ही लगा लें कि अगर सबसे पहले मैंने आपको कहा कि
प्लांट, ठीक है, प्रोड्यूसर, जो के फ्रॉग ने जो है वो, जो के कैटरपिलर ने प्लांट को खाया, फिर फ्रॉग ने कैटरपिलर को, और उसके बाद जो है वो स्नैक ने फ्रॉग को एट किया। स्नैक के बाद आप कोई भी लगा लें, हॉक लगा लें, बास लगा लें, जब वो डेड होगा, उसकी जब डेड बॉडी होगी, तो डेड बॉडी जो है वो क्या होगी, डेड बॉडी यानी वो लिविंग नहीं होगी, नॉन लिविंग हो जाएगी, ठीक है। तो जो बैक्टीरियाज और फंजाई क्या करेंगे, उस डेड बॉडी को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे, उससे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है। और डेड बॉडी के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लांट जो है, प्लांट की आप देख लेते हैं, जो जड़ें होती हैं हमारी, वो ज़मीन के अंदर ही होती हैं ना, प्लांट्स की जड़ें, रूट्स होती हैं उनकी, तो वो क्या करते हैं, दोबारा जो है वो ज़मीन में से, सॉइल में से है जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं। इसीलिए जो है हम इसे फूड चैन कहते हैं, कि ये प्रोसेस जो है वो वन वे प्रोसेस है और ये चलता ही रहता है, ठीक है। डिकम्पोजर्स रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स दैट आर इन अ लिविंग थिंग्स टू द सॉइल, कहने के जो लिविंग थिंग के अंदर जब वो डेड होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वो दोबारा जो है वो रिटर्न कर देते हैं प्लांट्स को, प्लांट जो है वो दोबारा जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। इसीलिए जो है हमारी फूड चेन जो है वो कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है। एनर्जी जो है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वो वन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता रहता है। अंडरस्टैंड, आपको प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में पता चला कि क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स का मैंने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, विच आर एबल टू मेक देयर ऑन फूड, जो कि एबल होते हैं अपना खाना खुद बनाने में। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, हंट करते हैं, गैदर के वो अपनी फूड स्टोर करते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है, उसके बाद था डिकम्पोजर्स था। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज एंड फंजाई होते हैं, जो कि हमारी लार्ज साइज बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल पीसेस में, जिसकी वजह से प्लांट जो हैं वो दोबारा उन्हें सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, और प्रोड्यूसर जो है हमारा प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा ये फूड चेन का प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, लेट्स लुक एट अ फूड चेन, कि हम कम्प्लीटली जो है वो आपको फूड चेन के बारे में देखते हैं कि फूड चेन क्या है। अ फूड चेन इज अ सिंप्लीफाइड वे टू लुक एट द एनर्जी दैट पासिस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, कह रहे हैं कि ये जो है एक रास्ता है, वन वे लुक है, एक रास्ता है, एक पाथवे है, जिसके जरिए जो है एनर्जी जो है वो हमारी वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स का क्या मतलब होगा, जी बताएंगे आप। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाए, जैसे टीचर ग्रीन प्लांट्स, जो कंज्यूमर जो अपना खाना दूसरों से हासिल करें, टीचर उसे हम केनिज्म कहते हैं, और टीचर जैसे लोइन। हाँ, तो ये क्या हो गया कि ये जो है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जो है ये हमारी फूड चेन चलती रहती है, ठीक है, पास होती है एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, फिर दोबारा जो है कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में, इस तरीके से जो हमारी एनर्जी जो है ये ट्रांसफर होती रहती है, पास होती है, फ्लो होती है। अंडरस्टैंड, फूड चेन क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, जिसके जरिए जो है ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं। अंडरस्टैंड, यस टीचर, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ फूड चेन है, कि फूड चेन के टाइप्स क्या हैं, यानी
कहाँ कहाँ जो है वो फूड चेन हो बनती है या फूड चेन का प्रोसेस होता है, आपको नजर आ रहा है एक्वेटिक लिखा हुआ है। एक्वेटिक वर्ड का मैंने आपको बताया था कि एक्वेटिक का क्या मतलब होता है। जी बताया था मैंने आपको, आप पूरी लाइन पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। जी आसिम, टीचर जो वाटर में रहते हूँ। वेरी गुड, वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर से रिलेट करते हैं, जो पानी के अंदर आते हैं, वाटर के अंदर आते हैं, तो फूड चेन का भी यही है। वाटर रिलेटेड फूड चेन विद सी प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या, कि वही प्लांट और एनिमल जो पानी के अंदर रहते होंगे, वहां पर जो है वो उनका जो फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, वो एक्वेटिक होगा, यानी पानी के अंदर होगा। जो वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते होंगे, वहां पर जो उनका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता होगा, हम उसे एक्वेटिक फूड चेन कहेंगे, कि वो एक्वेटिक फूड चेन हो जाएगी। एक्वेटिक क्यों होगी, क्योंकि जो ये ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर आ रहे हैं, वहीं पर जो है वो अपनी फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, वहीं पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसलिए हम इसे एक्वेटिक कह रहे हैं। अंडरस्टैंड? यस टीचर। पीपीटी शो हो रही है आपके पास? यस टीचर। ठीक है, नेक्स्ट है टेरिस्ट्रियल है हमारे पास। टेरिस्ट्रियल यानी लैंड से रिलेटेड, लैंड रिलेटेड फूड चेन विथ लैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। लैंड रिलेटेड के वो ऑर्गेनिज्म जो जमीन के ऊपर रहते होंगे, और वही प्लांट्स जो जमीन के ऊपर होंगे। ठीक है, पहले हमने बात की उन प्लांट्स की और एनिमल्स की जो जमीन के जो पानी के अंदर रहते थे। ठीक है, वहां पर उनका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता था, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती थी, इसलिए हम उन्हें एक्वेटिक कह रहे थे। टेरिस्ट्रियल यानी लैंड, टेरिस्ट्रियल वर्ड का मतलब ही लैंड है, कि जो जमीन पर ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स रहेंगे और जो जमीन के ऊपर प्लांट्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, उनके दरमियान जो हमारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, हम उसे टेरिस्ट्रियल कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस टीचर। गुड, दो टाइप्स की है, एक एक्वेटिक है, एक टेरिस्ट्रियल है। एक्वेटिक वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहकर अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं, पानी के अंदर फूड चेन बनती है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, हम उसे एक्वेटिक कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो जमीन के ऊपर रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो जमीन के ऊपर होते हैं, उनके दरमियान जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, हम उसे टेरिस्ट्रियल कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। यस, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या देख रहे हैं आप? इसे देखकर आप लोगों को क्या जो है वो आप समझ रहे हैं कि क्या चीज है, को क्या नजर आ रहा है आपको? डायग्राम है लेकिन किस चीज की है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये स्पाइडर का नेटवर्क। वेरी गुड, ये जो है नेटवर्क है, नजर आ रहा है ना आपको, ये नेटवर्क है। यानी ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो फूड है, एक फूड चैन है, एक फूड वेब है। तो पहले हमने फूड चैन के बारे में पढ़ा था कि फूड चैन क्या है, वन वे प्रोसेस है, यानी एक ही पाथवे में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सिर्फ वहां पर कैटरपिलर था जो कि प्लांट को खा रहा था, फिर वहां पे सिर्फ फ्रॉग था जो कैटरपिलर को ईट कर रहा था, कि वो वन वे प्रोसेस था, इसलिए हम उसको फूड चेन कह रहे थे। फूड वेब का मतलब ही जो है वो क्या, नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, इसलिए हम इसे फूड वेब कहते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये नेटवर्क है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज फूड वेब, के फूड वेब का कह रहे हैं कि फूड वेब क्या है,
फूड वेब कैन बी डिफाइन एज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल. ये फूड वेब जो है वो फूड चेन्स का नेटवर्क है. एक इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्ट मतलब कि एक के साथ बहुत सारे दूसरे एनिमल जो है वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं. ठीक है. सो एज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शंस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी. इसके अंदर आपको इस स्लाइड से सही समझ में आएगा. ये देखें, नजर आ रहे हैं आपको, ये ग्रासलैंड फूड वेब है. ठीक है, वो फूड वेब जो जमीन के ऊपर है. ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रास नजर आ रहा होगा. ठीक है, प्लांट है, प्रोड्यूसर है. ठीक है, प्लांट नजर आ रहे हैं आपको, ग्रास. यस टीचर. ठीक है, ग्रास है. ग्रास को कौन ईट कर रहा है? आपको एरो लगे हुए, आप उन एरो से देखते रहना कि कौन जो है वो किसे खा रहा है. ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि प्लांट को जो है वो कौन कौन जो है यहाँ पे कौन कौन से एनिमल हैं जो प्लांट को ईट कर रहे हैं? रैबिट. वेरी गुड. माउस. और माउस. वेरी गुड. और एक और है, नजर आ रहे हैं आपको, ग्रास होपर. वेल डन, ग्रास होपर. ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले ग्रास है, यानी प्रोड्यूसर है, प्लांट है. तो ग्रास को जो है वो माउस भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, और ग्रास होपर भी खा रहा है. ये तीनों क्या करे? तीनों जो है वो ग्रास को खा रहे हैं. पहले हमने फूड वेब में पढ़ा था कि सीफ्रे जो था वो कैटरपिलर था जो कि प्लांट को ईट कर रहा था, और कोई एनिमल नहीं था, रैबिट भी नहीं था, गोट भी नहीं था. इसलिए हमने उसे वन वे कहा कि प्लांट को सिर्फ एक ही एनिमल खा रहा है, सिर्फ कैटरपिलर ही खा रहा है. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लांट को जो है वो माउस भी खा रहा है, ग्रास होपर भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, कि कितने कितने सारे एनिमल आ गए हैं. ठीक है, इसलिए हम इसे नेटवर्क कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे एनिमल जो है वो इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, कि सिर्फ एक 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 लाइन नहीं है, एक एक जो एक लाइन में ऑर्गेनिज्म जो है जो हमारा वन वे प्रोसेस है ये वो नहीं है. इसे हमने फूड वेब इसीलिए कहा कि इसके अंदर जो है वो नेटवर्क ऑफ एनिमल्स होता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि एक दूसरे को खा रहे होते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले माउस ने ग्रास को खाया, फिर रैबिट भी ग्रास को खा रहा है, ग्रास हॉपर भी ग्रास को खा रहा है. फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद स्नैक ने क्या किया है, माउस को खाया है. ठीक है, स्नैक ने माउस को खाया. फिर ऊपर आपको लीजर्ड नजर आ रहा है, लीजर्ड ने जो है वो ग्रास हॉपर को ईट किया है. ठीक है, लीजर्ड जो है वो ग्रास हॉपर को ईट कर रहा है, रैबिट ने जो है वो ग्रास ईट किया है, स्नैक ने जो है वो माउस को ईट किया है, और लास्ट में जो आप देख रहे हैं हॉक. ठीक है, बाज आपको नजर आ रहा है जो क्या कर रहा है, जिसने स्नैक को भी ईट किया है, लिजर्ड को भी ईट किया है, और ये सबको, जिससे ये ग्रास हॉपर को भी ईट कर सकता है, रैबिट को भी ईट कर सकता है. तो इतने सारे एरो लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं ना, हॉक के मतलब लाइंस नजर आ रही हैं आपको? यस टीचर. ये जो एरो लगे हुए हैं हॉक पर, ये इसीलिए लगाए कि हॉक जो है वो इन सब एनिमल्स को जो है वो ईट कर रहा है, सबको खा रहा है. तो पहले जो हमने पढ़ा फूड चैन में जो हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने सिर्फ एक ही वन वे प्रोसेस था हमारा, एक एनिमल जो है वो दूसरे को खा रहा था, फिर दूसरा एनिमल जो है वो उसे खा रहा था, इस तरीके से जो है वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी. लेकिन यहाँ पर जो है एनिमल जो है वो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ, एक एनिमल सिर्फ ग्रास को जो है वो एक एनिमल ही नहीं खा रहा, यहाँ पे तीन तीन एनिमल हैं जो ग्रास को खा रहे हैं, और जो हॉक है वो
बहुत सारे एनिमल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया फूड वेब के बारे में कि फूड वेब और फूड चेन क्या है? यस टीचर। जी, फूड चेन के अंदर जो है हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स के दरमियान जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है वन वे प्रोसेस में, एक ही जो है वो प्रोसेस होता है, लेकिन जो फूड वेब है वो नेटवर्क ऑफ एनिमल्स है कि इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। आपको इस डायग्राम से जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म एनिमल को जो है वो खा रहा है और यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। ठीक है, आप देखें, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट फूड वेब्स के, फूड वेब जो है वो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फूड वेब जो है वो सॉइल में भी फूड वेब होती है, वहां पर भी जो है ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स होंगे जिनके दरमियान ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। एक्वेटिक फूड वेब है, जैसे फूड चेन का हमने पढ़ा था एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल थी, इसी तरीके से जो फूड वेब है वो भी एक्वेटिक फूड वेब भी हो सकती है, वहां पर भी बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स होंगे जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, नेटवर्क ऑफ एनिमल्स होगा। फूड वेब इन फॉरेस्ट के, जो जंगल के अंदर जो जंगलात में जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान एनिमल्स के दरमियान जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा वो फूड वेब इन फॉरेस्ट होगा। फूड वेब ऑफ ग्रासलैंड, फूड वेब ऑफ ग्रासलैंड क्या है, जो अभी मैंने आपको दिखाई है, जो हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, वो जो इसी की एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फूड वेब ऑफ ग्रासलैंड। और लास्ट जो है वो फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के, वो फूड वेब जो जमीन के ऊपर हो और पानी के अंदर हो, पानी के अंदर जो हमारा इकोसिस्टम होगा वहां पर जो फूड वेब होगी और जमीन के ऊपर जो है वो हमारी फूड वेब होगी। तो ये सारे जो है वो फूड वेब के जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं फूड वेब के, ठीक है, जिनके दरमियान ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई उसमें से ये एक फूड वेब है, ग्रासलैंड फूड वेब है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये वो सारे ऑर्गेनिज्म है जो ये वो फूड वेब है जो जमीन के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है, ये हमारी ग्रासलैंड फूड वेब है। ग्रासलैंड फूड वेब के अंदर क्या हो रहा है, आपको डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। सबसे पहले जो है वो ग्रास होपर है जो कि ग्रास को ईट कर रहा है, और उसके बाद लीजर्ड है जिसने ग्रास होपर को ईट किया है, और सेंटर में जो है वो रैबिट आपको नजर आ रहा है जिसने ग्रास को ईट किया है, और फिर रैबिट के बाद में जो है वो आपको हॉक नजर आ रहा है जिसने रैबिट को भी ईट किया है, लीजर्ड को भी ईट किया है और स्नैक का भी हंट किया है। ठीक है, तो डिफरेंट जो है वो इनके आपस में इंटरकनेक्शन है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और अपना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो कर रहे हैं, इसीलिए जो हम इस हमने इसे फूड वेब कहा कि इसके अंदर नेटवर्क ऑफ एनिमल्स जो हैं वे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होंगे जो इनके दरमियान फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। अंडरस्टैंड? जी आसिम, समझ में आया है आपको? यस टीचर। जी, तो आप अब मुझे बताएं फूड वेब और फूड चेन और फूड वेब के दरमियान क्या डिफरेंस है, दोनों में फर्क क्या है?
फूड जी वेब बेटा एनर्जी, जी जी ये फूड वेव एंड इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जी दोनों ही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। फूड वेब के अंदर भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, फूड चैन के अंदर भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है? जो फूड चैन है वो वन वे प्रोसेस है, यानी उसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे को नहीं खाते। जैसे वहां पे आपने देखा कि सिर्फ कैटरपिलर था जो प्लांट ईट कर रहा था, लेकिन फूड वेब के अंदर प्लांट को कौन कौन ईट कर रहा है? सामने आपको नजर आ रही है ना ग्रासलैंड फूड वेब, इसके अंदर आप देखेंगे प्लांट ग्रास को कौन कौन ईट कर रहा है? ये माउस, ये जी रैबिट, ग्रास, जी ग्रास होपर। तो कितने एनिमल हो गए इसमें? ये तीन। जी और फूड चैन के अंदर ग्रास को जो है वो कौन खा रहा था? जी इंसेक्ट, ये जी उसमें नहीं, जब जी इंसेक्ट कैटरपिलर था जो सी प्लांट को खा रहा था, ठीक है। एक एक था एनिमल, एक था ना उसके अंदर, और ये फूड वेब है इसके अंदर तीन है। दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है कि फूड वेब के अंदर जो है वो बहुत सारे एनिमल जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क ऑफ एनिमल्स होता है जिनके दरमियान ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, और जो फूड चैन है उसके अंदर सिर्फ एक एनिमल जो है एक एक एनिमल के दरमियान जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब आया समझ में? टीचर। वेरी गुड, ठीक है। फूड चेन के अंदर क्या था? उसके अंदर जो है वो फूड चेन जो है हमारी हमेशा प्लांट से ही स्टार्ट होती है, फूड वेब भी जो है हमारा प्लांट से स्टार्ट होता है, क्योंकि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद तैयार कर रहे होते हैं। सबसे पहले प्लांट ही जो है हमारे यहाँ में फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इनके दरमियान अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि फूड वेब एंड फूड चेन में क्या डिफरेंस है, तो आपने यही कहना है कि फूड वेब के अंदर जो है वो बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो फूड चैन है उसके अंदर जो है वो एक वन वे ही प्रोसेस होता है, एक एनिमल जो है वो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जो है वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। और जब भी जो है वो आप लोगों से पूछा जाए कि फूड चेन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो फूड चेन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आप क्या बताएंगे? ग्रास। जी ग्रास से, वेरी गुड। और ग्रास क्या है? ये प्रोड्यूसर। वेरी गुड, ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, फूड चेन जो है हमारी हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है? प्रोड्यूसर के बाद जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये कंज्यूमर। वेरी गुड, और कंज्यूमर के बाद जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डीकंपोजर। वेल डन, ये तीनों जो हैं आपके हो गए जिनके दरमियान एनर्जी ट्रांसफर होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। तो आपको जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया है? यस टीचर। वेरी गुड, आपने जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस किया, जो भी मैंने पूछा आपने बताया, मतलब लग रहा है कि आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं। तो आपने जो क्या आपने जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं भी आती तो ये वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड की है, आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। और चीज़ें जो है अपने पास पेंसिल और कॉपी ज़रूर रखा करें, जो मेन मेन पॉइंट्स में बताती हूँ जिसमें अकेडमी की एम सी क्यूज में लाजमी आता है, तो आप जो है उससे जो है वो नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। जब आप खुद लिखेंगे, आप बेशक स्क्रीनशॉट भी ले लें, लेकिन जब आप खुद लिखेंगे अपनी कॉपी पर तो आप जो है वो ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ज़्यादा समझ सकेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हमारा वेडनेसडे को होगा। अब जो है जो भी मैंने आप टीचर, ये वीडियो आप
ये YouTube अपलोड करोगी YouTube पर? जी, YouTube पर अपलोड होगी। आप ये मैं वहां वहां से से भी देख, लेकर देख। हाँ वहां से आप दोबारा देख सकते हैं, वहां से देख लीजिएगा। और फिर आप चैट बॉक्स में भी मुझसे पूछ लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट भी लिए हो, स्क्रीनशॉट्स लिए हैं? यस टीचर। ठीक है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा। और हमारे साथ राहुल थे, राहुल आप सुन रहे हैं? राहुल थे ना? यस टीचर। जी, आपके साथ जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं आसिफ, वो नहीं है आज? ये वो भी है। यस वो भी है आपके साथ? टीचर। आसिफ आप बताएं, आपको समझ में आया है? यस टीचर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आप दोनों ने। अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हमारी है वेनेसडे को क्लास होगी। अब सेशन को जो है वो लीव करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ओके टीचर, अल्लाह हाफिज। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है।